नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम आपको 5 ट्रेड प्लेयर के बारे में बताएंगे, यानी कि वो खिलाड़ी जो एक टीम को छोड़ के दूसरे टीम में जाएंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो के में आगे पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी IPL के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी छोटी बड़ी हर अपडेट जाननी है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों IPL 2022 मेगा नीलामी के बाद BCCI आगामी IPL 2023 के लिए एक मिनी नीलामी करने की योजना बना रही है। IPL 2023 के लिए ट्रेडिंग विंडो जल्द ही खुलेगा और सभी 10 टीम कुछ खिलाड़ियों को छोड़ के और नए खिलाड़ियों को पंजीकृत करने में सक्षम होंगी। IPL 2022 सीरीज से पहले ये काम होगा। दोस्तों ऐसे ही हम अगर हम इन ट्रेडिंग विंडो में 5 सबसे बड़े खिलाड़ियों की बात करें तो आपको बता दे सबसे पहले और बड़ा नाम रविंद्र जडेजा का आता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि IPL 2022 सीजन में कप्तान MS धोनी के लिए आखिरी सीजन माना जा रहा था और उन्होंने सीजन के शुरू होने से पहले ही कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद रविंद्र जडेजा को कप्तानी दिया गया था। लेकिन रविंद्र जडेजा की कप्तानी में टीम को केवल हार का ही सामना करना पड़ा। हालांकि सीजन के बीच में ही जडेजा ने कप्तानी धोनी को वापस सौंप दी, लेकिन IPL 2022 के बीच में जडेजा और CSK टीम के बीच अनबन होने की खबर सामने आ गई। ऐसे में रविंद्र जडेजा CSK का दामन छोड़ सकते हैं और किसी अन्य टीम का साथ पकड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम दूसरे बड़े खिलाड़ी की बात करें तो उनका नाम मयंक अग्रवाल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल भी पंजाब किंग्स का साथ छोड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम तीसरे बड़े खिलाड़ी की बात करें तो उनका नाम देवदत्त पड़िकल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि IPL 2022 में देवदत्त पड़िकल को राजस्थान रॉयल्स ने अपने साथ जोड़ा था। पड़िकल वैसे तो एक सलामी बल्लेबाज है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के पास ओपनिंग जोड़ी के तौर पर जॉस बटलर यशस्वी जायसवाल मौजूद है, जिस वजह से उन्हें मिडिल ऑर्डर यानी कि चौथे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेड विंडो में देवदत्त पड़िकल का भी नाम शामिल हो सकता है। जी हां दोस्तों, चौथे बड़े खिलाड़ी की बात करें, चौथे बड़े खिलाड़ी के तौर पे सुमन गिल का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सुमन गिल ट्रेड विंडो में जा सकते हैं। इस सीजन के उनके कमाल के प्रदर्शन को देखते हुए सभी टीमों की नजर उन पे होने वाली है और उनके ऊपर पैसों की बरसात भी हो सकती है। और दोस्तों अगर हम पांचवें नंबर के खिलाड़ी की बात करें तो आपको बता दें कि मनीष पांडे भी ट्रेडिंग विंडो में जा सकते हैं। दोस्तों हमारे हिसाब से ये 5 खिलाड़ी ट्रेड विंडो में जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन खिलाड़ी को कौन सी टीम खरीदेगी? अपना राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।